फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल। आप दो दिन बाद मेरा व्लॉग देख रहे हो, यानी मैंने दो दिन की छुट्टी ली थी, 16 और 17, आज है 18। और आज शिबा दीदी और ये लोग जा रहे हैं, और व्लॉग भी मैंने आज करना स्टार्ट किया है। दो दिन ड्रॉप हो गया था क्योंकि बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। आप व्लॉग में बने रहिए, आपको पता चल जाएगा क्या प्रॉब्लम आई थी। और सुबह सुबह मेरा ब्रेकफास्ट वगैरह सब बाकी है, चिकू गए हैं अभी नहाने के लिए, तो मैं मेरी चाय पी लेती हूँ तब तक। और चाय बना दी है मैंने, पर चाय हो गई ठंडी। बहुत ज़्यादा ठंड है, अभी मैं पी रही हूँ मेरी चाय। और आज तो यानी टेम्परेचर गया है 8 गया था, अभी है 12। बहुत ज़्यादा ड्रॉप हुआ है, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, बहुत ज़्यादा। मैं तो ब्लैंकेट में घुस के चाय पी रही हूँ। चाय तो पी ली अपन ने, और बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, उससे इतना बोतल प्लास्टिक वाली गिर गई, इतना आलस आ रहा है। और अभी कपड़े समेटने हैं, बहुत सारे दिन के हो गए, लगभग 3-4 दिन के कुछ हो गए, क्योंकि सब बहुत ज़्यादा मैस हो गया था। तो बाकी देख लो, मुझे लग रही थी बहुत ही ज़्यादा ठंड, और चिकू को भी लग रही थी, मेरे को ही नहीं लग रही थी। तो चिकू अभी लेके आए हैं हीटर डायरेक्ट, बेटे 5 बजे तक नहीं आने वाली है ना, उसी हिसाब से हीटर चलाना है। तो अपने आप की दिक्कत थोड़ी ना, हाँ धूप है, यहाँ पे ही कर दो ना, यहाँ पे ही कर दो। कपड़े भी इधर पूरे तरीके से समेटा गए, बस रखने ही है। ये क्या खराब है, ये प्लग मेरे को दो। कैसे डालेगी, ओ ये खराब हो गया है इसका मतलब, है ना? हाँ अब सही लग रहा है, बहुत ज़्यादा सुन लग रही है ना, कम है ना, अभी कम कर रखा है। करो डबल, पहली बार तुम तुरंत काम आने वाली चीज लेके आए। चलो थोड़ी तो सुविधा बढ़ गई ठंड की। अभी जो ये हीटर रख रखा है, यहाँ से सबसे ज़्यादा ठंड आती है, तो ये हीटर अब सुबह यहीं पर चालू हो जाएगा तो अब प्रॉब्लम नहीं होगी। सुबह सुबह एक तो ठंड ज़्यादा लगती है तो सुस्ती भी उतनी आती है, तो ठंड ज़्यादा भी नहीं लगेगी और काम भी हो पाएगा। मेरे नहाना बाकी है पर अभी तक कुछ काम हुए नहीं है, मेरे खाना भी बनाना बाकी है, और अभी बज गई है 12 और घर के ही काम कर रही हूँ अभी तक। और मिट्टू का भी पिंजरा साफ़ करना बाकी है, तो एक बार इनका पिंजरा साफ़ कर देती हूँ। पता चल गया तुमको, तुम्हें पिंजरा साफ करना है, ऊपर चढ़ रहे हो, होशियार बच्चे, गुड बच्चा। आज तुमने कितना अच्छे से करने दिया ना, अब तुमको खाना भी मैं उतना टेस्टी टेस्टी रखूंगी, ठीक है? चने भी रखूंगी, मिर्ची भी रखूंगी, मटर भी रखूंगी, भुट्टा भी रखूंगी, एप्पल भी रखूंगी, और अमरूद भी रखूंगी, ठीक है? अब मिट्टू का खाना तैयार कर देते हैं, और इनकी प्लेट्स वगैरह धुल चुकी है। मिट्टू का खाना, मेरे कितने सब्सक्राइबर्स मुझे यूँ भी बोल रहे थे कि मिट्टू का खाना दिखाओ, तो वो भी मैं दिखा रही हूँ। खाना देख के मुँह तो देख के ना, क्या खाना है, खाना देख रहे हो? ऊपर 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 ऊपर, अच्छा ऊपर, अच्छा आज तो फुल मान मिला है। इनकी लड़ाई बस बहुत खार है। इनको तो खाना रख दिया है, बस अब इनकी तो गई पूरे दिन की, इनको इनकी जगह पे रख देते। और अब चिकू के लिए खाना बना देते हैं, मिट्टू के लिए तो बन गया है। आज बनने वाले हैं आलू के पराठे, तो आलू के पराठे के लिए मैंने आलू बॉईल कर दिए हैं, ये आटा ले आई हूँ, आटा गूंथ देती हूँ। आटा ख़त्म हो गया था, एक तरफ मैंने आटा पीसा है, अभी पीछे आटा पीस रहा है, इसलिए आवाज़ आई, गेट बंद कर देती हूँ। ये आलू हो गए हैं बॉईल,
और अभी नालों को कर देती हूँ छेद। दो प्लेटें मस्त ठंडी होने के लिए मैंने रख दी हैं, अब मैं रेडी हो जाती हूँ। ये सूट मैंने सुबह ही पहना था तो यही मैं वापस पहन लूँगी। मैं हो चुकी हूँ रेडी और बस अब ये हो गया है ठंडा, तो फटाफट से बना देती हूँ क्योंकि शॉप के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो गई। कुछ वैरायटी बनाने के लिए दिक्कत है। चिकू को कॉल करके बोल देती हूँ कि दही लेके आएंगे। हाँ चिकू बन गया है, आ जाओ, पर दही लेके आना, ठीक है? फ्री हो ना? आ रहे हो? कितनी देर यार, ऐसे ही तो बोलते हो, दिक्कत होती है ना। हमारा पराठा जितने खुश हो रही हूँ बनाते बनाते, उतने खाना बैठे मुझे खावाएगा ही। चिकू की फरमाइश पे बने थे आज आलू पराठे, और आलू पराठे तो चिकू तो खा के चले गए। अब मेरे खाना बाकी है। ये है मेरी प्लेट, यहाँ पर है दही और ये है आलू का पराठा। खा लेते हैं और फिर शॉप पे जाना है तो थोड़ा जल्दी कर देगा। काम हो गया है कम्प्लीट, अब निकलते हैं अपन शॉप के लिए क्योंकि शॉप पे भी कस्टमर अभी आने वाले हैं, वेट कर रहे हैं। तो मास्क लगा देते हैं। ये हमारे रोमा मेकअप स्टूडियो का नया सेशन का रजिस्टर बना है, तो उसके लिए रोमा मेकअप स्टूडियो के लिए मेहनत की जा रही है, जनक की भाषा में स्ट्रगल किया जा रहा है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। मैं पहले यही काम करती थी मेरी क्लास में बैठी बैठी, फिर सब जने मेरे से लिखवाते ऐसे नाम। बैठे बैठे टाइम पास हो गया है, और ज्योति तो काम कर रही थी और अब करवा देती हूँ हेयर में ऑयलिंग। बड़े दिनों से टेंशन में, कुछ बालों में ना ऑयल लगा है या ना फिर बाल वॉश हुए हैं, तो अभी ऑयलिंग करवा देती हूँ, फिर थोड़ी देर के बाद वॉश कर दूंगी। ओह तेरे लिए आलू पराठा लेके आई हूँ। अभी बोल रहे हो? अपना काम हो चुका है, अब निकल जाते हैं भाई यहाँ से। और कुछ भूल तो नहीं रही मैं? कुछ भी नहीं मुझे। ठीक है चल, तुझे भी लेके चलती हूँ। चल आ रही है, कुछ पकाएंगे मस्त वाला। यार्डले मेरे बॉडी लोशन है वो ख़त्म हो चुका है, तो मैं यार्डले का अभी परचेस कर रही हूँ जो लेवेंडर फ्रेग्रेंस में है, और ये फेवरेट फ्रेग्रेंसेस में है। चल लो भैया इसका बिल बना दो। और बैटरी भी लो हो गई है तो कैमरा रख देते साइड में। अभी आ गई हूँ घर पर और खाना वगैरह अब चिकू को पूछते हैं क्या बनाना है। सुबह तो इनकी फरमाइश पर मैंने बनाए थे आलू पराठे, और आलू पराठे भी पड़े, हो सकता है तो वही खा लेंगे, दोनों चीज़ें हैं। चू क्या खाना है? खाना आलू के पराठे। अच्छा वही खा रहे हो, ठीक है चलिए हैंड वॉश कर देते हैं। और हैंड्स बहुत ड्राई हो गए और मेरा लोशन भी ख़त्म हो गया था, तो मैं चिकू का लोशन लगा रही थी दो दिन से, तो मैंने कहा यार अपना ले ही आओ, तो आज मैं लेके आई हूँ शॉप से। मैंने बताया था पर तब मेरे क्या कैमरे की बैटरी लो थी ना, इसलिए मैं रिस्क नहीं ले सकती, मैं फाइल करप्ट हो जाती है इसलिए। तो ये वाला मैं लोशन लेके आई हूँ, और लोशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी फ्रेग्रेंस का है, लेवेंडर मेरा फेवरेट है, इंग्लिश लेवेंडर, तो वही लेके आई। हाँ और यार्डले के मुकाबले इंग्लिश लेवेंडर फ्रेग्रेंस किसी में भी नहीं आती है। वही हैंड वॉश करूँ यार एक बार। चिकू के साथ रहते रहते चिकू जैसी आदतें पड़ गई है, जो चीज़ लाओ तुरंत यूज़ करनी पड़ती है, वही आदत हो गई है। तो अभी मैंने हैंड वॉश किया तो हैंड्स ड्राई फील कर रही हूँ, तो अभी ये ले लेती हूँ लोशन। आज है ना एक सब्सक्राइबर आई थी मेरी शॉप पे, वो बोले आपके हस्बैंड ने आपको कौन सी वॉच गिफ्ट की बताओ। क्या खुशबू है, मस्त। चलो अब अपन है ना ब्रेड वगैरह लेके आते हैं क्योंकि ये मेरे को सैंडविच खा रहा है। लेट्स गो ब्राउन ब्रेड। अभी आ गए हैं घर पर शॉपिंग करके, तो शॉपिंग करके आए तो क्या क्या लाए। ब्रेड, केसर बाटी, कुछ स्नैक्स और भी लाए, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स एंड ऑल, मायो बटर, पीनट्स एंड चीज क्यूब्स। अब बनाते हैं सैंडविच, तैयारी करती हूँ मैं, और चिकू को भी बोला था ये लाइट यार इस ट्यूबलाइट को क्या हुआ है, क्या था मेरी फ्रेम भी गाड़ रही है। तो प्याज टमाटर खीरा वगैरह सब चॉप करके रख देती हूँ।
अभी खाना बना रही हूँ मैं। ये अभी हम बना रहे हैं सैंडविच, और सैंडविच के लिए बटर है वो रेडी हो चुका है। ब्रेड्स के ऊपर भी बटर लग चुका है, और सॉस ज़्यादा नहीं लगाना है, सिर्फ ये बटर इधर ले लेते हैं और एक अखन्ना ले लेते हैं। सैंडविचेस बन चुके हैं, तो बस ये आपको बता देती हूँ। ये हमारे सैंडविचेस भी बन के रेडी हैं, और साथ में डेजर्ट में लिया जा रही है केसर बाटी, खा लेते हैं। चिकू भी साथ साथ में हेल्प कर रहे हैं, उधर बना रहे हैं सैंडविच से, यानी पका हो ही रहे हैं, मैं सिर्फ अंदर स्टफिंग भर भर के मैंने दी थी और वो पका रहे हैं। और इन सब चीज़ों में तो बहुत माहिर है मेरे हस्बैंड, तो खा लेते हैं। खाना वगैरह सब हो गया है, बस अब यहीं पर कर देती हूँ मैं व्लॉग का एंड, क्योंकि अब हम कोई मूवी वगैरह देखेंगे, क्योंकि फ्री हो गए हैं जल्दी जल्दी। खाना जब भी खाना जल्दी बन गया, जल्दी खा लिया, और फ्री भी जल्दी हो गए, तो बस अब मूवी। और हाँ यार, प्रॉब्लम तो बताई ही नहीं अपन ने, क्या प्रॉब्लम हुई थी अभी यहीं बैठ के। प्रॉब्लम मैंने बताई थी, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। अब वो थोड़ी प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, जिससे दो दिन व्लॉग नहीं आ पाए थे बीच में, उसमें हुआ यूँ था, क्योंकि मोज़रेला चीज़ पैर पे चिपक गया, उसमें हुआ यूँ था ना कि गोल्ड का बिस्किट गुम गया था, और वो भी घर में ही गुम गया था, और मिल ही नहीं रहा था, और मिल भी गया लास्ट में, लेकिन घर में ही मिला। बहुत ढूंढा, 3 दिन तक तो क्या परेशान हुए गज़ब के। बस वही सिचुएशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, तो सबके दिमाग ख़राब थे, और व्लॉग इसीलिए नहीं कर पाई थी मैं, तो उसके लिए माफ़ी। और अभी भी ये व्लॉग लास्ट हो सकता है, अब क्यों हो सकता है वो भी बता दूँगी मैं। हाँ, और आप गैस भी करो क्यों हो सकता है। और यहाँ तक देखने के बाद मेरा ये आखिरी व्लॉग, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना, और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, मिलते हैं कल के अच्छे से व्लॉग में। सॉरी, कल के अच्छे से व्लॉग में कहाँ मिलेंगे, बाय। शिवाजी का आ रहा है अभी कॉल, तो अभी वो जा रहे हैं, इसलिए उनका कॉल आ रहा है। वापस से कॉल कर देती हूँ मैं, उठाया ही नहीं मैंने, और किसी को कर दिया, उसने उठा दिया। वाह भाभी, मैं जा रही हूँ, वो वापस करेंगे, रुको। ओ, गेटअप तो ठीक से आने जाने का ही लग रहा है। नहीं है ना, ठंड है ना, अच्छा, तो जैकेट पहन लिया। अच्छा, बहुत ठंड है आज तो, गजब की ठंड है। हाँ, यहाँ पे इतनी नहीं है, कम है अंदाज मेरी इधर ठंड, पर तो अभी पहन लिया अंदर, पर फिर लग रही है, मुझे पता चल गया क्या, जिससे मैं चुप हो गई थी। अच्छा, पूर्वी और इधर बैठे। अच्छा, पूरा खाली खम है एयरपोर्ट तो। नहीं, गांधीनगर में घर का काम करा थी पास में रह के वो।